यमुनानगर जिले में 1200 से अधिक छोटे बड़े उद्योग हैं, जहां सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। लॉकडाउन के चलते अधिकांश फैक्ट्रियां बंद हैं, जिसके चलते प्रवासी मजदूरों को रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। वेतन न मिलने से परेशान ऐसे प्रवासी मजदूरों ने अपने अपने राज्यों में जाने का निर्णय लिया है। यमुनानगर में ऐसे 1600 प्रवासी मजदूरों की लिस्ट जिला प्रशासन ने तैयार की है, जिन्हें विभिन्न बसों द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में छोड़ा जाएगा। वहां से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें उनके घरों में भिजवाने की व्यवस्था की जाएगी। यमुनानगर पुलिस मुख्यालय के DSP सुभाष चंद्र व जिला राजस्व अधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि इन प्रवासी मजदूरों को समझाने का काफी प्रयास किया गया कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन खुलने के बाद फैक्ट्रियों में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रवासी मजदूर नहीं मान रहे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने उन्हें उनके राज्यों में भिजवाने की व्यवस्था की है। सरकार के इस कदम से प्रवासी मजदूर भी खुश हैं। यमुनानगर जगाधरी मानकपुर इंडस्ट्री के अपने कर्मचारी हैं, कुछ इंडस्ट्रियां लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी हैं। हमने इनसे रिक्वेस्ट भी करी है, भाई कुछ दिन के बाद इंडस्ट्री चालू हो जाएंगी, आप रहें, लेकिन इन्होंने जिद कर ली भी हमें एक बार घर छोड़ दो, घर जाना ज़रूरी है। इसलिए इनके लिए हमने बसे का अरेंजमेंट करके इनका मेडिकल करवा के हम इनको बस में बैठा के और सहारनपुर भेज रहे हैं। अगर सहारनपुर से इनको जिला वाइज, इनकी जिला वाइज वहाँ पर बसें लगी हुई हैं, वहाँ से जिला वाइज इनके घर इनको भेजा जाएगा। हाँ, हमारी हरियाणा सरकार के आदेश हैं, जो भी हमारी इंडस्ट्री की यहाँ पर लेबर है, जो इच्छुक है अपने घर जाने के, क्यों फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से जिनको कुछ तंगी आ रही हैं। वैसे तो हमारी सरकार ने इनके लिए यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम किए थे, इतने दिन तक इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब ये लोग सब घर जाना चाहते हैं। तो हरियाणा रोडवेज की बसों के माध्यम से हम सब इनको सहारनपुर UP में जो पॉइंट बनाया गया है उनका रिसेप्शन सेंटर, वहाँ पर इन सबको भिजवाएंगे और लगभग 1600 प्रवासी हमारे जो साथी हैं उनको आज हम सहारनपुर पहुँचवाएंगे, जहाँ पर पहुँचने पर इनकी सरकार UP सरकार द्वारा आगे भेजने की व्यवस्था की जाएगी।